हेलो व्यूअर्स, जोहार, स्वागत है आप लोगों का न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, अभी सुबह सुभा का मौसम है, इसलिए आप लोगों को बड़ा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, मस्त सुबह सुबह में अभी खिलता हुआ धूप निकल गया है दोस्तों, जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं, मस्त इधर से सूरज देव निकला हुआ है। और तो दोस्तों, अभी अपना गाड़ी लोड हो रही है। और दोस्तों, अभी ये जो चला रहे हैं 2023 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बताने वाले हैं कि मतलब क्रूज कंट्रोल क्या होता है, जो गाड़ी क्रूज कंट्रोल से मतलब किस तरह से चलता है। क्रूज कंट्रोल यानी दोस्तों, स्टेयरिंग से ही सारा चीज़ काम होगा। और अपना मतलब सर्विस एक्सीलेटर जो है, फूड एक्सीलेटर, उसको यूज नहीं करेंगे दोस्तों। स्टेयरिंग से एक्सीलेटर, ब्रेक वगैरह जो भी है, सारे चीज़ स्टेयरिंग से करेंगे। तो दोस्तों, वोल्वो जो है ना, इसमें केवल एक गाड़ी स्टेयरिंग जो है, ये केवल व्हील कटिंग करने के लिए क्यों नहीं है, इसमें सारा फंक्शंस भी दिया हुआ है कि आप स्टेयरिंग से भी गाड़ी चला सकते हैं बिना मतलब फूड एक्सीलेटर का। तो कैसे चलती है दोस्तों, पूरा वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर लाइक नहीं की हो तो लाइक करो, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, बेल आइकन को हिट करो। और इस वीडियो में काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो। और देख सकते हैं दोस्तों, अभी अपना गाड़ी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, और अपना सारा विंडोज बंद है, तो एसी चल रहा है, जो कि देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर एसी नहीं चलेगी ना तो गैस हो जाता है, पूरा विंडो पैक है, और एसी अगर नहीं चलाएंगे तो गैस हो जाता है, तो एसी चलाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पूरा माइंस के नीचे में, माइंस का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, कितना हाइट में है। हालाँकि ये दोस्तों, जब हम लोग आए थे उस टाइम 3 महीना पहले इतना नहीं था, लेकिन 3 महीना ही में इतना कट गया। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं, अभी जब गाड़ी चलेगी तो क्रूज कंट्रोल किस तरह से यूज करते हैं वो चीज़ बताने वाले हैं, और होता क्या है और कितनी स्पीड में चला सकते हैं, वो सारे चीज़ बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अभी तक लाइक कर चुके होंगे, क्योंकि मैं अभी लोडिंग लेकर के रास्ते में हूं दोस्तों। देख सकते हैं चढ़ाई भी है। तो दोस्तों, क्रूज कंट्रोल होता क्या है, कैसे यूज करना है, वो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये अभी हम लोग स्टेयरिंग में आ गए हैं, तो यहाँ पे एक बटन्स दिया हुआ है और इसको हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पर अभी 19 का स्पीड में चल रहा है। तो अभी सेटअप करेंगे तो 19 का स्पीड में ही सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, और नीचे सेट अभी हो गया है। और नीचे देखिए, मेरा पैर हम बिल्कुल एक्सीलेटर से बाहर हो गया है। और दोस्तों, इस तरफ अभी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है। तो प्लस को दाबेंगे ना तो दोस्तों, इसका स्पीड बढ़ेगा, गाड़ी और थोड़ा रेस होगी। और अगर माइनस करेंगे तो दोस्तों, इसका मतलब स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे अभी जो ए लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए लिखा हुआ देख रहा है, तो गाड़ी जब अभी 23 का स्पीड में सेट हुआ है, तो दोस्तों अगर आपका 25-26 अगर स्पीड होता है ना, तो उस टाइम ब्रेक लगेगी, और जब वो फिर कम हो जाएगी तो एक्सीलेटर लेगी गाड़ी। तो ऑटोमेटिक एक क्रूज कंट्रोल का यही सिस्टम है और यही फायदा है। और देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक हम एक्सीलेटर में पैर नहीं रखे हुए हैं, और अपना गाड़ी अभी चल रही है और अभी समतल जगह पे है। और देख सकते हैं उधर से गाड़ियां भी आ रही है। तो आई होप कि दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि क्रूज कंट्रोल किस तरह का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जितना चाहे स्पीड में चल सकते हैं, 30-40 जो भी, जितना में आप सेट कर सकते हैं उतना में कर दीजिएगा। और प्लस करने से दोस्तों, इसका स्पीड बढ़ेगा और गाड़ी रेस होगी, और माइनस करने से इसका रेस कम होगा और स्पीड भी कम होगा। तो दोस्तों, और स्पीड आपका जो मान के चलिए 20 का स्पीड में है, और 20 का स्पीड में अगर आपका गाड़ी 20 के स्पीड में ही 20-21 के स्पीड में ही चलेगी, और थोड़ा सा कम होगी तो फिर 19 में चलेगी, और ज़्यादा कम हुआ तो दोस्तों गाड़ी ऑटोमेटिक रेस हो जाएगा। और अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक भी लेगी। तो फिलहाल अभी एक्सीलेटर में हम पावर रख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, और डाला कैसे उठता है इसके बारे में भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अपना गाड़ी लग गया है। देखिए दोस्तों, पीटीओ ऑन करते हैं और लीवर उठाएंगे। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पैर इधर है और गाड़ी डाला उठ रही है, जो कि आप लोग
देख सकते हैं शीशे में डाला उठ रही है और मेरा पैर बिल्कुल खाली है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 1000 RPM में गाड़ी अभी उठ रही है। तो दोस्तों वोल्वो में काफ़ी फंक्शंस वगैरह है और इसकी जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके जानकारी के बिना आप अधूरे हैं कि कैसे चलाएगा वो। तो दोस्तों इसको अगर कंट्रोल करनी है, अगर डाला पूरा उठ गया तो आप केवल इस तरह से ब्रेक को क्लिक कर दीजिएगा तो इसका रेस जो है ख़त्म हो जाएगी। तो अपना गाड़ी अभी खाली हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी अपना गाड़ी खाली हो चुका है, तो आई होप आप लोग को समझ गए होंगे कि किस तरह से यूज करना है। तो दोस्तों डाला उठाने के लिए एक्चुअली हम आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि दो हाथ है, एक हाथ से तो पीटू लीवर को पकड़ना है और दूसरे हाथ से दोस्तों कैमरा पकड़े हुए थे। तो क्या स्टेयरिंग में क्या करना है, तो जो कि दोस्तों अभी क्रूज कंट्रोल जिस यहाँ पर यूज किए थे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक क्रूज कंट्रोल आता है, एक इंजन कंट्रोल सिग्नल आएगा, क्रूज कंट्रोल लिखा हुआ होगा, इंजन आवर्स लिखा हुआ आएगा। तो इंजन आवर्स में आप क्लिक कर दीजिएगा, मतलब एक्सेलेरेटर को पहले चाप लेना होगा और चाप लीजिएगा, उसके बाद उसको सेट में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका 1000 RPM में सेट हो जाएगा और उतने में आपका डाला उठता रहेगा। तो दोस्तों जब पूरा उठ जाएगा उसके बाद ब्रेक को क्लिक कर दीजिएगा तो इसका रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। और ये दोस्तों वोल्वो गाड़ी में जो है ना, कि अभी चल रहे थे, अभी क्रूज कंट्रोल में हम लोग यूज कर दिए तो बिना एक्सेलेरेटर का, फुट एक्सेलेरेटर का गाड़ी चल रही थी। तो दोस्तों इसका ढलान में भी वही सिस्टम है, अगर ढलान में आप गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पर जो इसका क्रूज कंट्रोल ही, मतलब क्रूज कंट्रोल से मतलब ढलान में भी गाड़ी जो है कंट्रोल होती है। कि दोस्तों अगर ढलान में आप जा रहे हैं 15 RPM में आप सेट कर दिए, दोस्तों अगर 15 के स्पीड से अगर आपका ज़्यादा गाड़ी होगा तो गाड़ी इंजन ब्रेक जो है वो लगेगी, और अगर उससे कम होगी तो फिर दोस्तों बढ़ेगी। तो इसी टाइप से होता है दोस्तों, अगर आपका गाड़ी ज़्यादा स्पीड अगर 20 में सेट है, चाहे 15 में सेट है, और अगर आपको गाड़ी ज़्यादा तेज़ भाग रही है तो दोस्तों उसको ब्रेक लगाएगी गाड़ी, इंजन ब्रेक जो ऑटोमेटिक लगेगी। तो काफ़ी फंक्शन है भाई गाड़ी में, वोल्वो में चलाने में, इसीलिए तो काफ़ी मज़ा आता है और इसका दाम भी इसीलिए 1.5 करोड़ की गाड़ी का दाम भी है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखें कि बिना एक्सेलेरेटर का, मतलब मेरा बिना सर्विस एक्सेलेरेटर का, बिना फुट एक्सेलेरेटर का हमने गाड़ी चलाया, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और दोस्तों वोल्वो में बहुत सारे चीज़ हैं सीखने के लिए और मेरे पास है बताने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, और दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। तो दोस्तों अभी बताते हैं कि मतलब जब गाड़ी हम डाला उठा रहे थे तो कैसे उठा रहे थे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक बटन है, देख सकते हैं, इसको क्लिक करना है और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंजन कंट्रोल नीचे, देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों इंजन कंट्रोल लिखा हुआ है। दोस्तों इसी को क्लिक कर देना है, आप एक्सेलेरेटर को दबा लीजिएगा, 1000 RPM में चला जाएगा, उसके बाद क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों उसमें, तो आपका डाला जो है 1000 RPM में सेट हो जाएगा और माल आपका अनलोडिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों एक्सेलेरेटर को क्लिक करना है या तो फिर आपको ब्रेक को आप क्लिक कर दीजिएगा तो रेस जो है गाड़ी का बंद हो जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आप लोगों से और एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।